तत्कालीन एसडीएम महेश बड़ोले बड़वानी और तत्कालीन तहसीलदार आदर्श शर्मा, पूर्व एसडीएम रीडर बाबूलाल मालवी, कलाबाई, पटवारी रेवाराम गंगवाल के खिलाफ बड़वानी कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। इन वीडियो भू अर्जन अधिकारी एसपी मंडरा ने बड़वानी कोतवाली में की शिकायत के आधार पर भूमि का गलत नामांतरण, बंटवारा और डायवर्सन का था आरोप। 05 लोगों के खिलाफ केस बड़वानी थाने में दर्ज किया था। आज पांचों आरोपी थाने में पेश हुए, जिनकी कोर्ट से अग्रिम जमानत मंजूर हुई। वही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम जमानत की कार्यवाही जारी है। पांचों पर इंदिरा सागर परियोजना में मुआवजा राशि निर्धारण में धांधली का था आरोप। ये अभी जो सेगांव स्थित जो भूमि थी, जिसमें भू अर्जन संबंधी मामले में अनियमितता होने से कलेक्टर साहब के आदेश से जो है थाने पे एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें तत्कालीन एसडीएम श्री बड़ोले और तहसीलदार शर्मा, उसमें कलाबाई और बाबूलाल मालवी और देवाराम पटवारी पांच आरोपी थे। तो तीनों ही जो आरोपी है आज थाने पे पेश हुए हैं। इनकी कोर्ट से जमानत मंजूर हुई है, तो इनको गिरफ्तार करके जमानत मुचलके पे छोड़ा जा रहा है। ये मामला किस संबंधित है? ये भू अर्जन जो होता है शासन के द्वारा भू अर्जन है, उसमें जो भू अर्जन के तहत जो रिवार्ड अवार्ड पारित होता है, जो मुआवजा मिलता है, तो मुआवजा लेने में इन्होंने अनियमितता की गई थी। मतलब जो ज़मीन का जो डाइवर्सन है वो गलत तरीके से हुआ था, उसके जांच के उपरांत इसमें मामला पंजीबद्ध हुआ था।